राखी जी, मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। मौलाना कादरी कह रहे हैं कि सनातन कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज बन नहीं सकती। तो इसके बीच आप लोग कैसे बैलेंस बनाएंगे, कैसे बीजेपी इस चीज को आगे लेकर बढ़ेगी? देखिए, योगी जी जब इस बात को कहते हैं तो सनातन धर्म की जो मूल भावना है, सर्वधर्म संभाव की भावना, सबको साथ लेके चलने वाली भावना, सबके साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली भावना, किसी पर आक्षेप नहीं लगाने वाली भावना, उस भावना के माध्यम से वो कहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें आपसी भाईचारा रहे, जिसमें जो जिसको करना है वो करे लेकिन बाकी लोगों का भी सम्मान करे, एक ऐसी अपना कोई भी आचरण नहीं हो जिसकी वजह से अगले को दुख हो, उस भावना के लिए हमेशा योगी जी कहते हैं। और यही भावना उन्होंने अपने यूपी के अंदर जब वो काम करते हैं उसमें भी दिखाई है। तो जब बात इस बात की जाती है कि हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम उस विचारधारा की बात करते हैं। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो सामने वाले को ये क्यों लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? देखिए, सामने वाले की कोई बात नहीं, लेकिन लोग समझते हैं, जनता समझती है, और जनता समझती है कि कैसे एक साथ मिलकर के कौन कर रहा है ऐसी राजनीति जिसमें तोड़ने की राजनीति की जाए और कौन जोड़ने की राजनीति की जा रही है। देखिए गौरव जी, हम वो लोग नहीं है जो कहते हैं कि इस पर मुस्लिमों का हक है, इसमें अल्पसंख्यकों का हक है। हम वो लोग हैं जिसने जब सबका साथ सबका विकास के साथ काम करना शुरू किया, तो जहाँ अगर 4 करोड़ मकान बनाए तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, 13 करोड़ से ऊपर जल से नल कनेक्शन हुए तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, जब 12 करोड़ टॉयलेट्स बनते हैं तो हमने जाति या किसी कास्ट धर्म के हिसाब से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सनातन को जो लेकर जो कहा है, उन्होंने भ्रम दूर करने की कोशिश की है। कल वो मध्य प्रदेश में थे, बीना में उन्होंने एक औद्योगिक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के समय कुछ कहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे सामाजिक तरीके से सनातन या राजनीतिक तरीके से या इतिहास में सनातन किस तरह से रचा बसा है, किस तरह से गुथा हुआ है। देखिए क्या उदाहरण दिए, सनातन पर जब देश में बहस छिड़ी तो प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन धर्म का महत्व बताने के लिए उसकी परिभाषा को अपने तरीके से पेश किया है। वो परिभाषा हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कल मध्य प्रदेश की सभा में कहा कि सनातन को नहीं मानने वाले देवी अहिल्याबाई होलकर के सामाजिक कार्यों का अपमान कर रहे हैं जो उन्होंने सामाजिक कार्यों को किया है। वो ये कह रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए वो भी सनातन की वजह से ही हुआ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू सनातन धर्म को मानते रहे और उनके आखिरी शब्द भी भगवान राम पर थे, हे राम। उन्होंने कहा जीवन पर्यंत उन्होंने सनातन धर्म माना। उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को आजादी की लड़ाई से जोड़ा, फांसी पाने वाले वीर कहते थे अगला जन्म भारत माता की गोद में देना, जो सनातन संस्कृति रविदास संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़ा, ये लोग उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। ये लोग यानी इंडिया यानी चितरंजन गगन आप, जिस सनातन को लेकर आपके नेता पोटेशियम साइनाइड कहते हैं रामचरितमानस को, उसी सनातन को लेकर प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे चाहे वो देवी अहिल्याबाई होलकर हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन पर्यंत सनातन को मानते रहे, उसी सनातन पर निशाना साध रहे हैं आप लोग। चितरंजन गगन, आप ही से सवाल है, उंगली नीचे कर सकते हैं। गौरव जी, इन लोग का है ना एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अभी जो है तो भाजपा के और विनोद जी भी बीएसपी के साथ ही बोल रहे थे। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनके जो है सो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश, पोटेशियम साइनाइड, चुप रहिए, जानते हैं आपको बहुत ही यूज करते हैं। इनके मंत्री हैं निशा जी उत्तर प्रदेश, ए विनोद जी भाई साहब हम सब भाषण देते हैं उल्टा पुल्टा, अरे मन साफ कीजिए, सनातनी बनते हैं नकली सनातनी, भाई साहब मर जाएंगे हम पोटेशियम साइनाइड, भाई साहब गौरव जी पोटेशियम साइनाइड आप उगल रहे हो ना वो आप, अरे विनोद जी सनातन के दुश्मन, देश को बांटने वाले, देश को दंगा में झोंकने वाले, होश में बात करो, जवाब दीजिए चितरंजन गगन जी, देखना चुप के भाई, मुद्दे पर रहिए आप, मुद्दे पर एक बात नहीं बोले, धीमा कीजिए, सनातन की बात करते हैं, करेंगे लुम्पन नहीं, करेंगे नहीं, डिबेट में आकर आपका पोटेशियम साइनाइड, अरे बंसल जी आप ही का जवाब नहीं मिल पाएगा जो आप जवाब देना चाहते हैं पोटेशियम साइनाइड पर, रुकिए ना बंसल जी, रुकिए आ रहा हूँ, बंसल
रुकिए रुकिए, चिल्लाइए मत, चित्रंजन गगन जवाब आप दे नहीं रहे हैं और खाली ऊंचे आवाज में बात कर रहे हैं। चित्रंजन गगन जवाब दीजिए, मुद्दे पर बात करता है, मुद्दे पर जवाब दीजिए। हाँ जवाब दे रहे हैं, उनको चुप करवाइए। वो नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी आवाज थोड़ा कंट्रोल में रखिए और बताइए। पोटेशियम साइनाइड संत रविदास का तस्करी करने वाला बंसल सनातन पर भाषण देगा। ये आरजेडी का बहुत बेटियों के जन्म देने वाला बंसल सनातन पर बात करेगा। ये चिल्लाने से नहीं करो, शर्म करो, फालतू की बात हो रही है। सनातन के नाम पर फालतू की बात हो रही है, निरर्थक हो रही है। चित्रंजन गगन जी यही 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 करना चाहते हैं क्या आप? मेरी बहस में भी साइनाइड घोलना चाहते हैं क्या? मेरी बहस में भी आप पोटेशियम साइनाइड घोलना चाहते हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप? मत करिए प्लीज, प्लीज सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं, थोड़ी तो सहिष्णुता दिखाइए। एक बार मुद्दे पर बोलना नहीं है, यही आपकी पॉलिटिक्स है, मुद्दे से भटकाओ। गौरव जी ये गोमांस का तस्करी करने वाला सनातनी अपने को कहता है, बताइए। राखी राठौर से सवाल, राखी राठौर यही होगा आप 2024 में इंडिया की काट। रुकिए सब लोग रुकिए, राखी राठौर बोलिए। देखिए जब तक ये चुप नहीं होंगे, अगर सनातनी के व्यक्ति व्यक्ति है कोई आक्रोश होगा तो निश्चित तौर पर समझ में आएगा। गौरव जी देखिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार किया जा रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ शिव भक्ति अगर की जाए तो क्या वो डेंगू है? अगर मैं शक्ति की उपासना करती हूँ तो क्या उसको मलेरिया के साथ कंपैरिजन करना चाहिए? जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है, शब्दों का उपयोग किया जाता है, कोई भी आक्रोशित होगा गौरव जी, ये आक्रोश होगा और ये होगा किसमें? भारत के सभी लोगों में होगा। जिस तरह से धर्मों को लेकर के आ रहे हैं बीच में राजनीति में, ये ठीक नहीं है। हम तो चाहते हैं डिस्कशन जो है विकास के मुद्दे पर हो, हम चाहते हैं विकास के मुद्दे पर हम जाएं। और देखिए गौरव जी आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए तो मैं विकास की बात बताती हूँ। अभी G20 के अंदर कितना इंपॉर्टेंट उन्होंने प्रोग्राम किया है, मंत्री है आपके हम अपनी डिबेट के वक्त से ऊपर जा चुके हैं, केवल इस आकांक्षा में कि आपकी तरफ से कोई जवाब आता है। लेकिन आरजेडी के चित्रंजन गगन जी चिल्लाने से जवाब नहीं मिलता, ये अभी तक आपने सुन लिया होगा और सीख लिया होगा और शायद उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आप डिबेट में आएंगे तो चिल्लाने की बजाय मुद्दे पर जवाब देंगे।